हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक सदाबहार स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग अगर खरीदारी कर लेते हो तो आपकी किस्मत बन जाएगा। मैं तो दिल से चाहता हूं भाई कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ। आप ये मत सोचो कि इसमें पैसा लगाएंगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। ये ऐसी कंपनी है जो किसी भी प्राइस में आप खरीद लेते हो ना तो आपका पैसे बनने के जो चांसेस है वो कई गुना रहते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है हम सभी लोग खाते आए हैं, बचपन से खाते आए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस कंपनी में हर गिरावट में खरीदारी कर लीजिए और आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर उस कंपनी का धंधा अच्छा हो फ्रेंड तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, नेट सेल टर्नओवर दिसंबर 17 में था, वो 2411 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 2703.19 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे नेट सेल अच्छा दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम दिसंबर 17 में था वो 2443.76 था, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 2758.61 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे नेट सेल्स और टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज अच्छे दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 17 में था वो 374.59 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 446.25 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। एबिटा देख लो, एबिटा दिसंबर 17 में था वो 407.35 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 501.67 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर दिसंबर 17 में था वो 249.17 था, और दिसंबर 18 हो चुका है वो 302.70 हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे देख काफ़ी अच्छा है। रिपोर्टेड पैड भी देख लो, रिपोर्टेड पैड दिसंबर 17 में था वो 249.17 था, और दिसंबर 18 हो चुका है वो 302.70 हो चुका है। तो मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ। पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे तो देखिए, नेट सेल्स मार्च 14 में था वो 6307.39 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 9304.06 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका नेट सेल्स नहीं कम रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो देख लो नेट सेल कितना ज़बरदस्त है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम मार्च 14 में था वो 6342.21 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 9459.99 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल्स और टोटल इनकम ईयर टू ईयर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 596.62 था मार्च 14 में, 596.62 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 1410.48 हो चुका है। तो देख लो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त है, और किसी भी ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है। तो मुझे इसका भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त दिखे, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। एबिटा देख लो, एबिटा भी काफ़ी बढ़िया है भाई, देख सकते हो मार्च 14 में जो एबिटा था वो 631.44 था मार्च 14 में, 631.44 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 1566.41 हो चुका है। तो देख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा कितना ज़बरदस्त है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। अगर भाई आप लोग ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपका पैसे बनने की जो चांसेस रहता है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ये था वो 389.83 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 947.89 हो चुका है। तो देख लो कितना ज़बरदस्त है इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट मार्च 14 में था वो 369.83 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 947.89 हो चुका है। तो पैट भी काफ़ी ज़बरदस्त है।
अब आपको मैं एनुअल ईपीएस भी दिखा दे रहा हूँ, तो देखो एनुअल ईपीएस भी कितना ज़बरदस्त है। मार्च 14 में जो एनुअल ईपीएस था वो 30.84 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 78.95 हो चुका है। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के खरीदारी कीजिए, बहुत ही अच्छी ग्रुबी कंपनी, आपका पैसा बनेगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये स्टॉक दोस्त बहुत तेज़ी से फ्रेंड ये स्टॉक रिकवर किया है। अब आज मैं इसमें ट्रेडिंग किया था तो इसमें मैं देखा था अच्छा खासा गिरावट हुई थी, लगभग 3% गिरावट हुई थी। 2760 के आसपास मैं इसका प्राइस देखा था अभी से 45 मिनट पहले, अभी तो 1 बज रहा है जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसमें मैं देखा था 2760 के आसपास। तो फ्रेंड अभी आप लोग बिल्कुल भी खरीदारी से मत कीजिएगा ब्रिटानिया इंडस्ट्री में। मैं पहले भी बोल चुका हूँ जब इसका प्राइस 3300 रुपये हुआ करता था, तो उस समय भी मैं आपको बोला था कि आपको जो खरीदना है वो 2750 के आसपास खरीदना है, 2700 के आसपास खरीदना है। तो अभी भी फ्रेंड उसी प्राइस पे आपको बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आप लोग हड़बड़ा के मत खेल लीजिए कि ये स्टॉक और भी ऊपर चला जाएगा, जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग सपोर्ट के आसपास खरीदिए। सपोर्ट फ्रेंड मालूम रहता है लेकिन कहाँ तक ये स्टॉक जाएगा ये मुझे मालूम नहीं रहता है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदना है ये मुझे थोड़ा सा मैं जज कर लेता हूँ। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2700 2750 के आसपास आता है तभी जाके बाई कीजिएगा, अभी जहाँ जाता है जाने दीजिएगा। तो देखिए 10 साल में ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने कितना रिटर्न बना के दिया है, तो 10 साल में रिटर्न है वो 1990.27% रिटर्न है। तो 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 295.23% रिटर्न है 3 ईयर में, देख लो 3 ईयर में रिटर्न काफ़ी अच्छा है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। तो देखो 3 ईयर में रिटर्न है वो 111.01% रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 3 साल में सेंसेक्स का रिटर्न है वो 50.66% रिटर्न है। ईयर टू डेट में जो रिटर्न है वो -6.97% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो -1.21% रिटर्न है। वन मंथ में रिटर्न है वो -8.29% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो -2.07% रिटर्न है। वन वीक में रिटर्न है वो -6.82% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो -2.10% रिटर्न है। 1 डे में जो रिटर्न है वो 1.41% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो -0.49% रिटर्न है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दे रहा हूँ। तो देखिए प्रमोटर जो होल्डिंग है वो 50.66% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है वो 16.28% का है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री में FIS का होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 5.79% का होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 6.58% का होल्डिंग है। अदर डी आई का जो होल्डिंग है वो 0.56% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 20.13% होल्डिंग है। कोई भी शेयर ब्रिटानिया इंडस्ट्री का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। पी रेशियो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का वो 61.09 का इसका पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 18.81 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.44% का है, तो उसका डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा नहीं है। ROC जो लेटेस्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का वो 49.15% का है, तो मुझे इसका ROC काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ROE जो लेटेस्ट है वो 29.78% का है, तो मुझे इसका ROC ROE दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 1116 से 1945 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा। क्वालिटी देख लो यहाँ पे एक्सलेंट बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 9.84 का सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का है। एवरेज जो ग्रोथ है 5 ईयर का वो 24.06% का, तो मुझे इसका एवरेज ग्रोथ 5 ईयर का काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो 10 साल में कितना रिटर्न है। 10 साल में 1991% रिटर्न है, 5 साल में 534% रिटर्न है, 3 साल में 111% रिटर्न है, 1 ईयर में 21% रिटर्न है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसमें पैसा लगाते रहिए। और इनकी जब भाई बिस्किट खाते हो, इनकी केक्स खाते हो, और भी कई सारे इनके प्रोडक्ट हैं, तो आप इस कंपनी में पैसा लगाते रहिए। छोटे मोटे दुकान में भी इस कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो सदाबहार स्टॉक के खरीद के रख लीजिएगा, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एनएसडी का 52 वीक हाई है वो 3472.05, 52 वीक लो है 2350.50। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 82% ओवर है बाई कीजिए, 18% ओवर है सेल कीजिए। मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 69,505 का मार्केट कैप है, तो अच्छा खासा मार्केट कैप माना जाएगा।
ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो पी है वो 64.52 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है वो 59.91 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले ब्रिटानिया इंडस्ट्री का थोड़ा पी हाई है। बुक वैल्यू जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का वो 134.63 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो, अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़बरदस्त है, 44.82 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 1 का है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो नेटवर्क है वो 3235.28 का नेटवर्क है। टोटल जो डेबिट है वो 9.31 का डेबिट है। तो इस कंपनी पे 9 करोड़ का लगभग कर्ज है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 1186.13 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो एसेट्स है वो 3244.59 का एसेट्स है टोटल। यहाँ पे भी देख सकते हो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट, और देख लो मार्च 18 में जो नेट प्रॉफिट था वो 244.69 था मार्च 18 में, और दिसंबर 18 हो चुका है वो 302.70 हो चुका है। तो देख लो कितना अच्छा इसका नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रख लो, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्री में खरीदारी कीजिए, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और इस कंपनी में बड़ा पैसा लगाइए, तभी जाके आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। 2700-2750 के आसपास आता है, तो खरीदारी कीजिएगा। अगर इससे भी ये स्टॉक अगर नीचे चल जाता है तो आप लोग डरिएगा नहीं, और भी दिल खोल के खरीदारी कीजिएगा। धन्यवाद।